हेलो फ्रेंड्स, रीना रसोई डॉट कॉम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। होली का मौसम है, तरह तरह के पकवान बनते हैं सब घरों में। आपने आलू के चिप्स तो बहुत खाए होंगे, आज हम चावल के आटे से आपको चिप्स बनाना बताएंगे, बहुत ही सरल और आसान तरीके से। ये कैसे बनते हैं आइए देखते हैं रीना रसोई में। आज हम चावल के आटे के चिप्स बना रहे हैं। हमने चावल का आटा 1 कप लिया है। अगर आपका चावल का आटा थोड़ा मोटा है तो आप उसको मिक्सी में डालकर महीन कर लीजिए। चावल का आटा महीन, देखिए इतना महीन होना चाहिए, है ना। और इसमें हम 2 चम्मच मैदा डालेंगे, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। और 1 चम्मच नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हैं। और 1/4 चम्मच हमने खाने वाला सोडा लिया है। अगर आपके पास पापड़ खाखड़ा हो तो वो भी आप 3 से 4 चुटकी डालिए। और थोड़ा सा ये ऑरेंज कलर है और ये ग्रीन कलर है, आपका जितने मन हो उतने कलर के बना सकते हैं। हम तरीका आपको 2 का बना के दिखा रहे हैं। अब हम पहले आटे को तैयार करेंगे, चावल के आटे को तैयार करेंगे। इसमें हम नमक डालेंगे, खाने वाला सोडा डालेंगे और ये हम 2 चम्मच मैदा डाल रहे हैं, छोटी 2 चम्मच, बहुत बड़ी चम्मच नहीं। इन सबको मिलाकर हम एक सॉफ्ट डो बनाएंगे, ना बहुत कड़ा बनाएंगे ना बहुत पतला बनाएंगे, मुलायम बनाएंगे। देखिए कैसा डो बनाना है ये अभी हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम डो बनाएंगे। इस चिप्स को आप बनाएंगे तो आप लोग के आलू के चिप्स खाने आप भूल जाएंगे, ये चिप्स खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। अब हमने बाउल से निकाल कर आटे को एक प्लेट में रख लिया है। ऐसे आपको दिखा रहे हैं कि आटे कैसा होना चाहिए। इस आटे में कितना पानी लगा ये देखिए, हमने 1 कप पानी लिया था, इतना सा पानी हमारा बचा है। और देखिए कितना सॉफ्ट डो है, ना ये मुलायम है ना बहुत ये कर्रा है, इस तरह से डो बना होना चाहिए। चावल के चिप्स बनाने के लिए हमने देखिए 4 भाग करे उस आटे के, 4 गुलाई हमने देखिए इस तरह से बड़ी बड़ी करी हैं, 1, 2, 3, 4। हम केवल 2 कलर के बना रहे हैं। अगर आपको और कलर करना है तो आप इसमें जैसे 3 में 3 तरह के कलर डाल सकते हैं, इसलिए हम केवल 2 कलर के बना रहे हैं। ये देखिए 2 छोटी छोटी ली हैं, 2 लोई हमने बड़ी ली हैं, 2 छोटी छोटी ली। इसकी तरह इसके लिए भी दूसरे कलर के भी लिए 2 बड़े गोले लिए हैं और 2 हमने छोटे लिए हैं। अब इनको हम हटा देंगे। अब इन दोनों में हम खाने वाला कलर है, हम लोग खाने वाले कलर को बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम कम कलर के बना रहे हैं। आपको रेसिपी दिखाना है, ये रेसिपी हम बना चुके हैं, बहुत अच्छी लगी हमको, इसलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कलर को थोड़ा ज्यादा डालिएगा क्योंकि जब हम इसको बॉयल करेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा हल्का हो जाता है। इसी तरह से हम दोनों कलर को मिलाएंगे अच्छी तरह से। ये देखिए ये हमने 2 पीले कलर के बनाए हैं, अब हम ग्रीन कलर का बनाएंगे। कलर थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा क्योंकि उबलने के बाद ये हल्का हो जाता है। ये देखिए हमारे दोनों कलर बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसके आगे का क्या प्रोसीजर है ये हम आपको बताते हैं। 1 लोई हमने उठाया और इसको इतना पतला करा, इस तरह से हम दूसरी लोई को भी करेंगे। अब हम ये येलो कलर उठाएंगे और इसको हाथ पर बढ़ाएंगे। चावल का आटा है इसलिए धीरे धीरे करिएगा, नहीं तो आपका टूट जाएगा। आप चावल का आटा को पीस लेंगे, अगर मोटा है आपका तो आपको बनाने में परेशानी नहीं होगी। अब इसको हम चारों तरफ से इसको कवर करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे वाले को भी करेंगे। अब हम दूसरे कलर का बनाने के लिए इसको भी इसी तरह से लंबा सा करेंगे, बहुत मोटा भी ना रखिएगा और बहुत पतला भी नहीं, जिसमें चिप्स आपके बढ़िया से बन के आए। इसको भी हम इसी तरह से करेंगे।
अगर आपको चावल की लोई बढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप 1 से 2 ड्रॉप हाथ पर चिकनाई लगा लीजिए। इससे आपकी देखिए कितनी आसानी से बड़ा हो गया है। ये देखिए, ये है हमारी रीना रसोई की टिप्स है। आपने देखिए, हमने जरा चिकनाई लगा ली 1 से 2 ड्रॉप केवल, और देखिए हमारा कितना आसानी से बड़ा हो गया है। अब हम इसके अंदर रखेंगे और इसको कि देखा, ये हमारी एक बहुत ही बढ़िया रीना रसोई की टिप्स है। ये देखिए, हमारे चावल के आटे के एक जैसे बनाना चिप्स वो बनाकर तैयार करा है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अगला प्रोसेस हमारा है, ये देखिए हमने पानी चढ़ाया है। पानी में हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। आंच को तेज रखिएगा, तेज आंच पर हमको 15 से 20 मिनट इसको उबालना है। इस तरह से हम थोड़ा दूर दूर रख देंगे, आप पास में मत रखिएगा, नहीं आपस में चपक जाएंगे, इसलिए इनको थोड़ा सा दूर रखिएगा और तेज आंच पर 15 से 20 मिनट इसको उबालिएगा। ये देखिए, 20 मिनट हमने खूब तेज आंच पे इनको उबाला था। अभी हम गैस को बंद कर देंगे, पूरे 20 मिनट हमने इनको उबाला है जिसमें ये अच्छी तरह अंदर से पक जाए। अब हम गैस को बंद कर देंगे और चिमटे की सहायता से हम एक एक उठाकर प्लेट में रखेंगे। अब इनको हम जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तब इनको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, जिसमें ये सेट हो जाए तब हम आपको चिप्स काट के दिखाएंगे। अब हम इस तरह की एक पन्नी लेंगे, ये देखिए हमारे पूरी तरह से ये ठंडे हो गए हैं। अब इनको हम सेट होने के लिए फ्रिज में दबा दबा कर इसको इस तरह से, जो पन्नी भी आपके पास हो या आपके पास वो सामान रखने वाली या खाना पैक करने वाली पन्नी हो तो आप उसमें भी रख सकते हैं। इस तरह से हम रखेंगे और इसको टाइट 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 पन्नी इसको ऐसे से हम मोड़ेंगे। इस तरह से हम करके इसको फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देंगे। आपके पास समय हो तो आप 2 घंटे के लिए भी रख दीजिए। आप इस तरह से रख कर और इस पर हम एक बैंड चढ़ा देंगे। ये देखिए, इसी तरह करके हम इसको फ्रिज में, अगर फ्रीजर में रखिए तो आप 1.5 से 1 घंटे रखिए, और नीचे फ्रिज में रखिए तो आप 1 से 2 घंटे रखिए, फिर निकाल कर इसके पतले पतले चिप्स काटिए। ये देखिए, 1 घंटे से 1.5 घंटे हमने इसको फ्रिज में रखा था। अब इसका ये पूरी अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम इसको काटेंगे। ये देखिए, चाकू से भी आप इस तरह से काट सकते हैं, बहुत ज्यादा पतले मत काटिएगा। ये देखिए, और आप कद्दूकस से भी काट सकते हैं, आप इससे भी काट सकते हैं। देखिए, हम आपको इससे भी काट कर दिखा रहे हैं, लेकिन हाथ से काटना बहुत आसान है। थोड़ा सा दबाव, ये देखिए, आप कद्दूकस से भी काट सकते हैं और हाथ से भी काट सकते हैं। इनको इसी तरह से हम काट लेंगे और फिर इनको धूप में सुखाएंगे। इसी तरह से हम सारे काट कर रखेंगे। ये देखिए, हमारे चावल के आटे के चिप्स बनकर तैयार हो गए हैं। इनको हम 1 से 2 दिन धूप में अच्छे सुखाएंगे। ये पूरी तरह से सूख जाने चाहिए। जब ये पूरी तरह से सूख जाएंगे तब हम आपको तल कर दिखाएंगे। देखा आपने, चावल के आटे से हमने कितने बढ़िया चिप्स बनाकर तैयार करे हैं। आप लोग अगर इसको बनाएंगे तो आलू के चिप्स खाने आप भूल जाएंगे, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं।
हमने जिन बातों को बताया उनको ध्यान रखिएगा, जितना जितना समय बताया है इसी तरह से रखिएगा, तो आपके भी चिप्स बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगे। अगर हमेशा की तरह आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको प्लीज जरूर करिएगा। इसी तरह की बढ़िया बढ़िया रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।